हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मॉड वैल्यू को लेकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काफी कंफ्यूजन थी और गूगल शीट में भी काफी कंफ्यूजन आ रही है। तो हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो इन्होंने पूछा है कि सर मॉड कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ एक वीडियो भी क्रिएट कर ही देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइटल दिया है नंबर वन और दूसरा टाइटल है नंबर टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू से अगर डिवाइड करते हैं सिक्स को तो ये थ्री टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर यानी कि शेष जो बचेगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अगर टू से डिवाइड करेंगे सिक्स को तो टू थ्री या सिक्स हो जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है ना? अब यहां पे टू से डिवाइड करेंगे फाइव को तो टू टू जा फोर हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? वन आएगा। यहां तक तो क्लियर है। चलिए यहां पे नाइन की बात कर लेते हैं। अब यहां नाइन है, यहां टू है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी कि ये वाला नंबर छोटा यानी जिसमें डिवाइड करना है वो नंबर छोटा और डिविजन जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर बड़ा, ऐसी स्थिति में आप जो डिवाइड करने वाला नंबर है जिसमें हम डिवाइड करेंगे वही नंबर आपको उठा के लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे अगर सेवन रखता हूं और यहां पर टू रखता हूं तो देखते हैं क्या आता है। यहां पर अभी भी टू आ रहा है, देख सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर मान लीजिए यहां पर थ्री रख देता हूं तो क्या आएगा आंसर? थ्री आएगा। यहां पर देख सकते हैं यहां पर थ्री आ रहा है, तो ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 टू 2 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीरो हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए अगर 7 को डिवाइड करते हैं 9 से तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, 7 एकम 7 और जो माइनस करने पे जो आएगा वो 2 आएगा। क्लियर है? अब फिर यहां पे आ जाते हैं, यहां पे माइनस 10 लिखा हुआ है। माइनस के कंडीशन में क्या होगा? माइनस के भी कंडीशन में ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको, ये 3 है और यहां माइनस 19 है। ठीक है, अब माइनस रखिए या प्लस रखिए, कंडीशन तो आपको समझ में आई गई है कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो यहां पर माइनस 19 रखा है तो यहां पर रिमाइंडर 2 क्यों आ रहा है 3 से डिवाइड कर रहे हैं? तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है, तो यहीं पर हम समझेंगे। अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल 21। ठीक है, आपको पता है कि 3 के टेबल में 21 तो आता ही आता है। ठीक है, तो यहां पर जब इसको ड्रैग करवाऊंगा नीचे की तरफ तो ये अपने आप जो है आंसर दे देगा 0। तो 0 आ गया। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, अब मान लीजिए यहां पे कर दिया 22। ठीक है, 22 कर दिया और यहां पे 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर कंफ्यूजन आएगी आपको, जब इसको हम डिवाइड करेंगे और ड्रैग करवाएंगे तो ये देखिए आंसर मार क्या आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है। कारण क्या है 1 आने के पीछे? रीजन क्या है? रीजन ये है कि 21 के बाद एक आता है 22। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नियरेस्ट ये लेता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर 22 है तो यहां पर अगर 23 कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा 3 से डिवाइड कराने पे यहां पर भी आएगा। यहां पर देखिए इसको ड्रैग करवाता हूं तो यहां पर आ रहा है 2 क्यों आ रहा है? 2 इसलिए आ रहा है कि 21 के बाद 22 और 23, that's why यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी, आंसर पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1। क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि अगर आप माइनस लगाएंगे तो ये आगे वाला उठाएगा, यानी 3 के टेबल में 3 के टेबल में 24 आता है ना, 3 8 जा 24। ठीक है, तो 24 होगा तो 23 24 से कितना कम है? 1 कम है, तो ये माइनस की कंडीशन में ये हो जाएगा और जब आप प्लस लगाओगे तो पीछे चला जाएगा। तो ये इस तरह से काम करेगा, जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए चाहे इंटरव्यूज में जाइए चाहे कहीं भी, तो ये इसी तरह से काम करेगा। आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आई होप। अब यहां पर देखिए मैं कर देता हूं 25। ठीक है, और ध्यान रखिएगा माइनस 25 किया है मैंने, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इसको ड्रैग करवाता हूं तो आंसर क्या आएगा? देखिए माइनस किया है हमने, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि ये 27 आता है ना, इसके बाद कितना आता है? 3 3 1 जा 3, ऐसे करके आप काउंट कीजिए, 3 9 जा 27। बिल्कुल सही सोचा आपने, 3 9 जा 27 होता है। तो यहां पर 2 जो है, यहां पे 2 जो है कम है। ठीक है, यहां भले ही माइनस लगा हुआ है लेकिन इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, 2 जो है लेस है ये। ठीक है, तो इस वजह से यहां पे रिमाइंडर आ जा रहा है 2, लेकिन यही जब प्लस कर देंगे तो फिर 24 के हिसाब से ये लेगा तो यहां पे 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे अगर जैसे ही मैं माइनस हटाता हूं तो यहां पे 1 आ जा रहा है। तो ये इस तरह से मॉड वैल्यू कैलकुलेट होगी
उम्मीद करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर हो गई होगी। और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।